नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का साथ है, आप सभी भाइयों की मदद है। यही वजह है दोस्तों, आज भी मैंने शराब नहीं पी और एक अच्छी ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले तो प्रगति ग्रुप का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ दोस्तों, जो हमेशा मेरी रिक्वेस्ट पर मुझे वो मौका देता है। और कोशिश रहती है दोस्तों कि चाहे वो इलेक्शन हो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में या और भी कोई ओकेशन हो, कई बार हम लोग रिट्रीट के ऊपर में भी शेयरिंग करते हैं क्यों क्यों ज़रूरत है उसकी। तो वैसे ही अल्कोहलिक्स एनोनिमस में भी हम अपने जो ट्रस्टेड सर्वेंट होते हैं, जिसको हम लोग ग्रुप का चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, पीआई चेयरमैन, फिर इंटर ग्रुप के पदाधिकारी, फिर उसके बाद में पूरे ऑल ओवर इंडिया में कैरिंग द मैसेज का काम करने के लिए हमने एक जीएसओ बनाया है, जनरल सर्विस ऑफिस, जो मुंबई में है। वहाँ भी दोस्तों काम करने के लिए हम चुने हुए प्रतिनिधि भेजते हैं, जिसको हम डेलीगेट बोलते हैं, ट्रस्टी बोलते हैं। तो ये जो इलेक्शंस होते हैं, आम सदस्यों को इसके बारे में जानकारियाँ नहीं होती कि ये जो कैंडिडेट्स खड़े होते हैं उनके लिए योग्यताएं क्या है, उनकी जिम्मेदारियां क्या है। क्योंकि मैक्सिमम जो लिटरेचर है दोस्तों वो इंग्लिश में बना हुआ है और हम देखते हैं कि सभी को इंग्लिश पढ़नी नहीं आती। और सबसे दुखद बात यह है कि जिनको पढ़ना आता है वो लोग भी दोस्तों लिटरेचर का उपयोग नहीं करते। मेरे ख्याल से ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस ही एकमात्र इतनी बड़ी संस्था है कि जिसका अपना एक बहुत बड़ा लिटरेचर है। और ये जो लिटरेचर प्रिंट होता है लाखों रुपयों का, ये कहीं तो भी हमारे लिए बना है ताकि हम इस ए के प्रोग्राम को अच्छे से समझ सके और उसका हमारी रिकवरी में उपयोग हो, अल्कोहलिक्स एनोनिमस के कैरिंग द मैसेज में उपयोग हो। तो ज़्यादातर जो लिटरेचर है वो इंग्लिश में है, लेकिन आज बहुत सारे जो लिटरेचर है हमारे वो अन्य भाषाओं में भी उनका ट्रांसलेशन हो चुका है, हिंदी में भी उपलब्ध है, मराठी में भी उपलब्ध है। लेकिन उसके बावजूद कहीं तो भी हम उसको पढ़ने में अनिच्छा दिखाते हैं। और इससे हम और किसी का नहीं, हम अपना खुद का नुकसान करते हैं। हमको ऐसा लगता है कि एक ही मीटिंग कर रहे हैं, दारू से दूर है, इतना हमारे लिए काफ़ी है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, इतना इतना कुछ लिटरेचर में छुपा हुआ है कि यदि हम पढ़ते हैं और उसके हिसाब से अगर रिकवरी का प्रोग्राम लेते हैं तो हमको अपने आप में बदलाव लाने के लिए, अच्छी रिकवरी के लिए बहुत मदद मिलती है। तो वैसे ही दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मेरे जैसा शराबी शराब से दूर होने के बाद एक ग्रेटिट्यूड के तौर पे, एक कृतज्ञता के तौर पे, आभार के तौर पे, उसके ऊपर में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और वो है दोस्तों ए की सर्विस, ए की सेवा। क्योंकि मेरे पहले आए हुए लोगों ने ये सेवा अगर नहीं दी होती तो मैं आज जिंदा नहीं होता। कहा अमेरिका में बनी हुई 1935 में ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस, और कहा मैं इंडिया के, महाराष्ट्र के, नागपुर के एक छोटे से इलाके में रहने वाला इंसान। किसी सरकार ने ये मैसेज मेरे पास नहीं लाया, कोई गवर्नमेंट योजना नहीं थी जिसके तहत मुझे ये मैसेज मिला। मेरे पहले आए हुए जो लोग थे उन लोगों ने अपना टाइम, टैलेंट, ट्रेजर खर्च किया, अपना धन दिया, अपना मन दिया, अपना कौशल दिया, अपनी शक्ति खर्च की, तब जाके दोस्तों ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज मुझ तक आया है। और इसीलिए दोस्तों आज मुझे एक नई जिंदगी मिली है। तो सिर्फ इतना बोलने से काम नहीं चलेगा कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस नहीं होती तो मैं तो जिंदा नहीं होता, मैं तो बहुत आभारी हूँ। ये जो ग्रेटिट्यूड है ये एक्शन में होना चाहिए, कृति में होना चाहिए।
जिसका मतलब है कि मैंने भी जैसे मेरे पहले आए हुए लोगों ने सर्विस दी है, अपना समय खर्च किया है, अपना धन खर्च किया है, अपना टैलेंट खर्च किया है, तो मेरे से जो बन पड़ता है वो मैंने करना चाहिए, जिसको एक ही सेवा कहते हैं, एक ही सर्विस। जब हम ग्रुप में चेयरमैन बनते हैं, ट्रेजरर बनते हैं, सेक्रेटरी बनते हैं, ये ग्रुप की सर्विस है, एक ही सर्विस है। इंटर ग्रुप के पदाधिकारी बनते हैं, अपने ग्रुप से आईजीआर बनते हैं, ये भी एक ही सर्विस है। वैसे ही जो हमारा जनरल सर्विस ऑफिस बना हुआ है मुंबई में, उसकी जो जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस होती है साल में एक बार, वहाँ भी पूरी पूरे देश को सेवा देने के लिए, कैरिंग द मैसेज का काम हो, उसके लिए हम डेलीगेट चुनते हैं, ट्रस्टी चुनते हैं, ताकि ये लोग वहाँ जाके जैसा लोकल लेवल पे एक ग्रुप काम करता है, तो नेशनल लेवल पे अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ये काम हो। 1957 में अल्कोहलिक्स एनोनिमस इंडिया में आई, इतिहास हम सबको मालूम है, चार्ली एम जो कैनेडियन दूतावास में ट्रांसफ़र हुआ, उन्होंने न्यूज़पेपर में ऐड दिया, और उस न्यूज़पेपर के ऐड को पढ़ के मुंबई के एक टीचर थे हैरियम, वो उनसे मिले और उस प्रोग्राम को लेकर वो सोबर हो गए 5 मई 1957। ये हम भारत का फाउंडेशन डे मनाते हैं। किसी कारणवश दिल्ली का ग्रुप सफल नहीं हुआ तो हैरियम मुंबई आ गए और उन्होंने यहाँ काम चालू किया। तो पहला ग्रुप दोस्तों माहिम में शुरू हुआ, जिसका नाम है फाउंडेशन ग्रुप। और हैरियम के मार्गदर्शन में कहीं तो भी इंडिया में भारत का ए का काम चालू हुआ। तो हैरियम ने मुंबई और आसपास के इलाकों में काम किया ज़्यादातर। तो दूसरे एक मेंबर थे ट्रेवर के, वो आर्मी में थे, तो वो जहाँ जहाँ इंडिया के अलग अलग पार्ट में जाते थे, वहाँ वहाँ ए का मैसेज फैलाने का काम करते थे। तो इन दो लोगों ने दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस को इंडिया में फैलाने का काम किया, मगर बहुत ही कम आयु में हैरियम की मौत हो गई। और उनकी मौत के बाद में सारा जो जिम्मा था, जो मुंबई के ग्रुप्स थे, उन पर आ गया और अपने तरफ से वो सारी कोशिशें कर रहे थे। एक इंटरग्रुप बनाया गया, उस इंटरग्रुप के माध्यम से कहीं तो भी कैरिंग द मैसेज का काम करना शुरू हुआ। लेकिन वो जो मुंबई का जो इंटरग्रुप था, उसकी भी अपनी सीमाएं थी। और तब जाके कहीं तो भी एक गरज ऐसी महसूस हुई कि पूरे नेशनल लेवल पे अगर ए का काम करना है, कैरिंग द मैसेज करना है, तो जैसा वर्ल्ड लेवल पे जीएसओ न्यूयॉर्क में हमारा ऑफिस है, जिसको जीएसओ न्यूयॉर्क बोलते हैं, जनरल सर्विस ऑफिस, तो वैसा ही भारत देश के जो पीड़ित शराबी लोग हैं, उन तक अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज पहुंचाने के लिए नेशनल स्तर पे इंडिया में एक जीएसओ ऑफिस बनना चाहिए। 5 मई 1987 में दोस्तों जीएसओ का गठन हुआ, जिसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारे मेंबर थे एक मिल्टन एफ उनकी रही। 4 वर्किंग ट्रस्टी चुने गए, चेयरमैन, पीआई चेयरमैन, ट्रेजरर, सेक्रेटरी, और उनकी कॉन्फ्रेंसेस होती चली गई। आज की डेट में यही काम संभालने के लिए कहीं तो भी जो जनरल सर्विस जो कॉन्फ्रेंस होती है, जो साल में एक बार होती है, उस कॉन्फ्रेंस के जो पार्टिसिपेंट होते हैं दोस्तों, तो जो ट्रस्टी होते हैं जो हम चुनकर देते हैं, रीजनल ट्रस्टी, उसमें 2 प्रकार के ट्रस्टीज है, एक ए क्लास ट्रस्टी है और एक बी क्लास ट्रस्टी है। ए क्लास ट्रस्टी यानी वो ऐसे नॉन अल्कोहलिक लोग जिनको अल्कोहल का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो लोग अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ये जो प्रोग्राम है, इस पर उनकी पूरी श्रद्धा है और वो इस ए के प्रोग्राम को अपना समय देने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे जो विभिन्न समाज के क्षेत्रों के जो लोग रहते हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में अच्छी क्वालिटीज रखते हैं, उनका हमको गाइडेंस मिले,
अच्छे से हम कैरिंग द मैसेज का काम कर सके, आम पब्लिक तक हम पहुंच सके, उसके लिए दोस्तों ऐसे 1 लाख ट्रस्टीज बनाए जाते हैं। हम अपने शहर में जानते हैं डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा हमारे 1 लाख ट्रस्टी रहे, उसके पहले भी और कुछ लोग रहे, वो अल्कोहलिक नहीं है, नॉन अल्कोहलिक है, पर उनका जो मार्गदर्शन है, गाइडेंस है, हमको मिलते रहा। और दूसरे होते हैं दोस्तों बी क्लास ट्रस्टी, जो हम जैसे अल्कोहलिक लोग होते हैं, जो फेलोशिप से चुने जाते हैं। तो ये दोनों प्रकार के ट्रस्टी, ए क्लास, बी क्लास, डेलीगेट्स, ये मिलकर कॉन्फ्रेंस बनती है दोस्तों, जो मुंबई में साल में एक बार नवंबर महीने में होती है, और उसको उनको अटेंड ही करनी पड़ती है, क्योंकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस का काम करना है तो ये काम करना पड़ता है। और जो ट्रस्टीज होते हैं ए क्लास, बी क्लास, उनका मिलकर दोस्तों जीएसबी यानी जनरल सर्विस बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की जो एक ये रहता है, जीएसबी होती है, जनरल सर्विस बोर्ड, जो कॉन्फ्रेंस से जो भी सुझाव हमको मिलते हैं, और जीएसबी में जो जो ट्रस्टीज लोग अपने अनुभव साझा करते हैं, उसके आधार पे अल्कोहलिक्स एनोनिमस की पॉलिसी बनती है। चाहे वो जो लिटरेचर प्रिंटिंग है, आज जितना भी लिटरेचर हमको मिलता है उसकी सारी प्रिंटिंग दोस्तों जीएसओ करता है, कौन सी बुक छापना, कितनी छापना, उसके लिए परमिशन जीएसओ न्यूयॉर्क से अनुवाद के लिए, और उसी के साथ साथ पूरे पूरे भारत देश में जो जितने भी ग्रुप्स, इंटर ग्रुप्स है, सर्विस कमिटीज है, उनके साथ में कोऑर्डिनेट करना। जो ट्रस्टी होते हैं दोस्तों, उनको कहा जाता है कि ये हमारे 12 ट्रेडिशन, 12 स्टेप, 12 कॉन्सेप्ट के कस्टोडियन है। यानी कोई भी ऐसा सवाल उठता है फेलोशिप में कि जो एक ही यूनिटी के लिए खतरा हो, एक का नाम खराब करने वाला हो, कोई गंभीर प्रश्न हो, तो उसका निपटारा करने का जो दायित्व होता है, हमारी ट्रेडिशंस को संरक्षित रखने का जो दायित्व होता है, वो दोस्तों ट्रस्टीज का होता है। तो ये जो ट्रस्टी होते हैं, इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहती है। उसी ट्रस्टी का इलेक्शन, ट्रस्टी की पोस्ट का इलेक्शन, बी क्लास ट्रस्टी की पोस्ट का इलेक्शन आने वाले 2 तारीख को, 2 अक्टूबर को यहाँ रखा है, 2 अक्टूबर 22 को। और इस बार दोस्तों बहुत बड़ा इलाका है, इतने सारे IGR इस इलेक्शन में शामिल होने वाले हैं, जिसमें नागपुर है, चंद्रपुर है, भंडारा है, गोंदिया है, वनी, वरोरा, अमरावती, अकोला, तो एक बहुत बड़ा रीजन इस ट्रस्टी इलेक्शन में IGR के तौर पे पार्टिसिपेट कर रहा है। लेकिन मैं जैसा शुरुआत में बताया कि बहुत सारे लोगों को जानकारी ही नहीं होती इस बारे में कि ट्रस्टी यानी क्या होता है, उसका काम क्या होता है, डेलीगेट क्या होता है। हम ग्रुप से IGR तो बना दिए जाते हैं, और ज़्यादातर मैंने भी, मेरा अनुभव है कि जो ग्रुप में कोई काम का नहीं रहता ना, उसको IGR बना के भेज दो, बोल ये हाल है। और उस IGR को अपने कुछ अधिकार पता नहीं रहते, उसका क्या रोल है, क्या काम है, कुछ भी पता नहीं रहता। और फिर इलेक्शन के वक्त होता क्या है कि कोई ओल्ड टाइमर उसके कान में बोल देता है, या फिर वो किसी को पूछ लेता है किसको वोट देना, अरे वो फलाने को दे देना। यानी उसकी अपनी जो सद्बुद्धि है, अपना जो कॉन्शस है, वो बिल्कुल उपयोग में नहीं होता। उसके पीछे का कारण एक ही है दोस्तों, क्योंकि हम पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, हम जानकारी लेने में इंटरेस्टेड नहीं है। अभी 5 साल पहले ट्रस्टी का इलेक्शन हुआ, तब भी मैंने इस विषय पर शेयरिंग किया। पिछले साल डेलीगेट का इलेक्शन हुआ, तब भी मैंने अवेयरनेस लाने के लिए, लोगों को जानकारी देने के लिए इस विषय पे शेयरिंग किया। लेकिन फेलोशिप है, सबको अपने मत रखने का अधिकार है, सब मेरी शेयरिंग से खुश नहीं होते। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैं किसी का प्रचार कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें भी अभी हुई है, हाल फिलहाल में भी हुई है। जब इस मीटिंग का मैसेज व्हाट्सएप ग्रुपों में गया तो कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन भी उठाए, भाई ये तो कभी डेलीगेट नहीं रहा, इसने तो कभी ट्रस्टी का इलेक्शन नहीं लड़ा, ये तो फलाना वो पोस्ट छोड़ के भाग गया था, तो फिर इसको हक है क्या शेयरिंग करने का। मैंने ओल्ड टाइमरों से पूछा,
जो जीएसओ में काम कर चुके, ट्रस्टी रह चुके, डेलीगेट रह चुके, ऐसे लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, आप अवेयरनेस लाने के लिए ये काम कर सकते हो, बशर्ते कि मैं जो कुछ भी बोलूं तो इस लिटरेचर के आधार पे बोलूं, किसी को फेवर न करूं, किसी का पक्ष न लूं। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में कैंपेनिंग नहीं होता, यानी जैसा बाहरी इलेक्शन में प्रचार करते हैं लोग, इसको वोट देना उसको वोट देना, ऐसा ये में प्रचार नहीं होता, इसलिए इस तरीके का प्रचार हम देखते भी नहीं है। कोई वो इंडिविजुअली मिल जाता है उसको हम बता देते हैं कि भाई मैं खड़ा हूँ, बात अलग हो जाती है, लेकिन जैसा बाहर की दुनिया में ये भी मिलता है वो भी मिलता है ऐसा नहीं होता। अब कुछ लोग खिलाते हैं, बोलते हैं मैंने तो खाया नहीं, पर मटन की भी पार्टियाँ होती है ऐसा सुना मैंने, लेकिन मैं कभी पार्टिसिपेट नहीं किया, अपने को गाली खाने में मजा आती है। तो कहीं तो भी दोस्तों ये चीज़ें भी होती है। और एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ मैं कि हमको संपूर्ण जानकारी होना क्यों ज़रूरी है। अगर ऐसे सवाल उठते भी हैं काम करते वक्त, तो भी अगर हमको एक नॉलेज है तो हम उनका जवाब दे सकते हैं, लेकिन अगर हमको नॉलेज ही नहीं है तो फिर हम हमारी भूमिका इतनी रहेगी कि हमको कोई पीछे से सूत्र चलाएगा, हमारा उपयोग करेगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे ही हम एक ही सर्विस में आते हैं तो हमने दोस्तों हमारा दायित्व है कि एक ही सर्विस के क्या रूल्स है, जिस पोस्ट के लिए हम चुने गए हैं उसकी क्या जिम्मेदारियां है, इसको जानना जरूरी है। स्पॉन्सर किस लिए बनाते हैं हम, स्पॉन्सर इसीलिए तो बनाते हैं, स्टेप स्पॉन्सर भी रहते हैं, सर्विस स्पॉन्सर भी रहते हैं, अलग अलग भी बना सकते हैं। अपने सर्विस स्पॉन्सर से पूछना चाहिए कि मैं चेयरमैन चुना गया हूँ, मेरा काम क्या है, लेकिन कोई इस बारे में जानकारी लेने के लिए जिज्ञासा ही नहीं रखता और लिटरेचर तो पढ़ते ही नहीं। और जहाँ मैंने बताया कि मैक्सिमम जो लिटरेचर है हमारा इंग्लिश में है, तो उसकी वजह से कोई भी ये हिम्मत नहीं करता कि वो लिटरेचर को पढ़े। तो ये समझना हमको ज़रूरी है। आज जो कुछ भी मैं शेयरिंग करने वाला हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो बोलूँगा वो 100% सही। मैं इस बायोलॉज के हिसाब से जो मेरे पास में जीएसओ के बायोलॉज है उसके हिसाब से ही आपके सामने मैं बोलूँगा, लेकिन उसके बावजूद भी आपको 100% मेरे पे निर्भर नहीं रहना है। मेरी अपेक्षा यही रहेगी कि आपके अंदर में वो चीज़ उत्पन्न हो कि आप खुद भी इसकी स्टडी करें, अपने स्पॉन्सर से, अपने किसी ओल्ड टाइमर से पूछे, कौन लोग खड़े हैं उनकी जानकारियाँ ले, जो जो भी इलेक्शन में खड़े लोग हैं उनका बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड का मतलब ए का बैकग्राउंड, बाहर का बैकग्राउंड नहीं कि वो लखपति है, करोड़पति है, गुंडा है, मवाली है, या संत आदमी है, क्या है, कैसा है, ये बाहर के बैकग्राउंड ए में नहीं चलते। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जो भी इलेक्शन में खड़ा है उसका ए का बैकग्राउंड यानी ए में उसकी सर्विस कैसी है, उसको ए का नॉलेज कैसा है, जो रिक्वायरमेंट बायोलॉजी में दी है उस बायोलॉजी के हिसाब से उस व्यक्ति में वो योग्यताएं है या नहीं है। क्योंकि हमारे को फाउंडर बिल डब्ल्यू ने एक लेख लिखा है दोस्तों, लीडरशिप इन ए और वाइटल नीड, यानी अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जो नेतृत्व है, लीडरशिप है, वो एक बहुत बड़ी गरज है। और हमारे लीडर कैसे होने चाहिए, कहीं तो भी उनके पास में विजन होना चाहिए, उनके पास में पॉलिसी होनी चाहिए, उनके पास में प्लान होना चाहिए, उनके पास में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अगर उनको अल्कोहलिक्स एनोनिमस के बारे में बराबर जानकारी नहीं है, ए में काम करने का अनुभव नहीं है, 12 कदमों पे ठीक से रिकवरी नहीं है, संपूर्ण नहीं, ठीक से, हम कोई संत नहीं बन जाते लेकिन ठीक से रिकवरी, क्या उसमें ह्यूमिलिटी है, विनम्रता है, फेलोशिप में उसका बर्ताव कैसा है, ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती है। क्योंकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस की सेवा करते वक्त हमारे अंदर में पेशेंस और टोलरेंस होने बहुत ज़रूरी है। एक ही फेलोशिप के लिए, एक ही मेंबरों के लिए प्रेम और सहानुभूति की भावना होनी बहुत ज़रूरी है। हमारा ए में व्यवहार ऐसा ना हो कि हम विवादों को पैदा करें, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मतभेदों को बढ़ावा करें। ये इस तरीके की जो एक गुड लीडरशिप बिल डब्ल्यू ने बोली है, जो ए को और ए के काम को आगे बढ़ा सकती है। तो कहीं तो भी दोस्तों ये जो बी क्लास ट्रस्टी का इलेक्शन होने जा रहा है उसके बारे में बताया गया है कि
उसकी एलिजिबिलिटी, हाँ सबसे पहले तो ये मैं बताना चाहूँगा कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में एक बायोलॉज के हिसाब से कुछ चीज़ें हमको सजेस्ट की गई है, और अगर वो कॉन्फ्रेंस का मेंबर बनना चाहता है तो उसके लिए वो बहुत मस्ट होती है। जैसा आईजीआर बनने के लिए कम से कम एक साल का अनुभव यानी सोब्राइटी होनी चाहिए, इंटरग्रुप चेयरमैन बनने के लिए 2 साल या 1 साल का होना चाहिए, ग्रुप लेवल पे ये चीज़ें शिथिल भी हो सकती है। लेकिन जहाँ बात जीएसओ की आती है वहाँ दोस्तों ये नियम बिल्कुल कड़े हैं। डेलीगेट बनने के लिए कम से कम 3 साल की सोब्राइटी आवश्यक है, 3 साल से वो व्यक्ति सोबर होना जरूरी है, एए का नॉलेज उसमें होना जरूरी है। और ठीक वैसे ही अभी जो ट्रस्टी इलेक्शन हो रहा है उसके लिए 7 साल की कंटिन्यूस सोब्राइटी चाहिए, यानी वो व्यक्ति 7 साल से कंटिन्यूसली सोबर होना चाहिए। और उसकी जो टर्म रहेगी यानी उसका जो कालावधि रहेगा वो कालावधि रहता है दोस्तों 5 साल के लिए। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में रोटेशन की पद्धति है। रोटेशन की पद्धति का मतलब जैसा बाहरी संस्थाओं में एक आदमी चुनकर आ गया तो जैसा कब्जा बन के बैठ जाता है, तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में ऐसा कोई कब्जा करके न बैठे, करके एएमए सर्विस में रोटेशन की पद्धति है कि भाई आज तूने सर्विस कर ली, अब तू तेरा टर्म खत्म होने के बाद में पोस्ट से निकल जाएगा, दूसरे आदमी को सर्विस करने का मौका देगा, जिससे हर एक को बारी बारी से सर्विस करने का मौका मिलता है दोस्तों। तो डेलीगेट के लिए 3 साल का टर्म दिया गया है कि जो डेलीगेट है वो लगातार 3 कॉन्फ्रेंस अटेंड कर सकता है, उसके बाद में उसको कहीं तो भी रिटायर होना पड़ता है, उसकी जगह हम दूसरा डेलीगेट चुनते हैं। ठीक वैसे ही दोस्तों जो ट्रस्टी होता है उसका जो पीरियड होता है वो 5 साल के लिए होता है, यानी 7 साल की सोबरेटी और 5 साल का उसका टाइम पीरियड। 5 साल के बाद में वो दोबारा ट्रस्टी नहीं बन सकता। एक जो डेलीगेट है वो ट्रस्टी बन सकता है, लेकिन जो ट्रस्टी है वो फिर दोबारा ट्रस्टी भी नहीं बन सकता और डेलीगेट भी नहीं बन सकता। तो इस रोटेशन पद्धति से नए आने वाले सर्विस में आने वाले लोगों के लिए भी कहीं तो भी रास्ता खुलता है। तो अब सवाल आता है दोस्तों कि इनकी एलिजिबिलिटी का, तो उसके पहले ये बताना चाहूँगा कि जो जीएसबी होता है, जनरल सर्विस बोर्ड जो होता है, जो ट्रस्टियों से मिलकर बनता है, जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस का इंडिया लेवल पे सारा काम धाम दिखता है, लिटरेचर प्रिंटिंग से लेके तो कैरिंग द मैसेज से लेके तो देश भर के जो ग्रुप इंटर ग्रुप सर्विस कमिटीज है उनसे कोऑर्डिनेशन का, पीआई वर्क का, तो ये जो जनरल सर्विस बोर्ड है इसके 18 अल्कोहलिक ट्रस्टी होते हैं। जैसा मैंने बताया कि नॉन अल्कोहलिक और अल्कोहलिक, तो बी क्लास ट्रस्टी जो अल्कोहलिक होते हैं वो 18 होते हैं और जो नॉन अल्कोहलिक होते हैं वो 9 होते हैं, और इनसे ही मिलके दोस्तों जनरल सर्विस बोर्ड बनता है जो सही मायने में पॉलिसी बनाता है और ए का कैरिंग द मैसेज कैसा हो, जो फाइनेंस है फाइनेंस सिस्टम कैसा हो और वो पूरे देश में कैसे किस तरीके से उसको लागू किया जाए, ये पॉलिसी बनाने का जो काम है कॉन्फ्रेंस के सजेशन पे, ये जीएसबी का होता है, जनरल सर्विस बोर्ड का होता है। तो ये बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण पोस्ट होती है दोस्तों। हम ऐसे एक प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं कि जो जिंदगी और मौत का सवाल रखता है, एक अल्कोहलिक की जिंदगी और मौत का सवाल होता है दोस्तों, और उसके लिए सही मायने में अच्छे तरीके से सर्विस हो, अच्छे तरीके से कैरिंग द मैसेज हो, ये एक बहुत ज़रूरी पार्ट होता है, जो बिल डब्ल्यू ने अपने उस लेख में लिखा है कि जो सर्विस करने वाले जो हमारे लीडर्स हैं कैसे अच्छे होने चाहिए, कैसे उनमें आगे का विजन प्लान करने की, पॉलिसी बनाने की एक दूरदृष्टि होनी चाहिए, ताकि वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज कैरी करने के बहुत अच्छे तरीके से काम कर सके। तो इसमें खास तौर पे जो एलिजिबिलिटी बताई गई है बी क्लास ट्रस्टी रीजनल ट्रस्टी के लिए, तो पहली है दोस्तों साउंड बिजनेस और प्रोफेशनल बैकग्राउंड विथ इंग्लिश नॉलेज, यानी जो उम्मीदवार ट्रस्टी पद के लिए खड़ा है उसका जो बिजनेस और प्रोफेशनल बैकग्राउंड है, सीधी बात है कि वो आर्थिक दृष्टि से सक्षम होना चाहिए, सिर्फ सक्षम ही नहीं बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, और उसको कहीं तो भी अंग्रेजी का भी नॉलेज होना चाहिए।
हमारे भारत में हम देखते हैं दोस्तों कि आधा भारत हिंदी बोलता है और आधा भारत हिंदी नहीं बोलता, और उसमें जो आधा भारत हिंदी में ज़्यादा बात नहीं करता तो मैक्सिमम लोग उसमें अंग्रेजी प्रिफर करते हैं। और एक ही जो GSO की पूरी प्रोसीडिंग है वो भी अभी टिल डेट अभी तक पूरी अंग्रेजी में ही होती है। हमको GSO के मिनट्स भी आते हैं, वो सारे मिनट्स हम देखते हैं दोस्तों इंग्लिश में होते हैं। तो सीधी बात है कि जब हम एक बड़े काम के लिए और एक महत्वपूर्ण काम के लिए उस व्यक्ति को चुन रहे हैं कि जिसमें अंग्रेजी का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तो ये क्वालिफिकेशन के हिसाब से एक तो उस कैंडिडेट का जो ट्रस्टी का इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, कहीं तो भी उसका बिजनेस और प्रोफेशनल जो बैकग्राउंड है वो साउंड होना चाहिए। यदि उसकी आर्थिक स्थिति या उसका प्रोफेशनल बैकग्राउंड ठीक नहीं है तो वो AA को समय नहीं दे पाएगा, वो अपनी परेशानियों में रहेगा, और अगर वो अपनी परेशानियों में खोया रहेगा तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस का काम कैसे करेगा। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है दोस्तों कि वो आर्थिक रूप से सक्षम हो, अच्छे तरीके से सक्षम हो, AA को वो समय दे सके। तो इसीलिए जो पहली रिक्वायरमेंट है वो है दोस्तों साउंड बिजनेस एंड प्रोफेशनल बैकग्राउंड विथ इंग्लिश नॉलेज। अंग्रेजी का नॉलेज उसको होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारी जो प्रोसीडिंग है GSB की और कॉन्फ्रेंस की, ये दोस्तों अंग्रेजी में होती है। दूसरी बात, दूसरी जो एलिजिबिलिटी है दोस्तों वो है लीडरशिप, यानी ट्रस्टी के पोस्ट पे जो कैंडिडेट है, उम्मीदवार है, उसके अंदर में लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। जिसका मतलब है दोस्तों कि उसने अपने ग्रुप में, इंटर ग्रुप में, या और सर्विस कमी को जो और प्रकार की जो सर्विस कमिटियाँ होती है उसमें उसने काम किया होना चाहिए। लेकिन उसके बाद में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ लिखी है कि उस व्यक्ति ने ग्रुप में, इंटर ग्रुप में, या और अन्य सर्विस कमिटी में काम तो किया होना चाहिए, लेकिन काम करने का तरीका कैसा होना चाहिए। काम करने का तरीका होना चाहिए दोस्तों कि विथ मिनिमम ऑफ फ्रिक्शन एंड मैक्सिमम ऑफ गुड फीलिंग, यानी काम करने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि जिसमें उसने फेलोशिप में कम से कम मतभेद पैदा किए हो, और ज़्यादा से ज़्यादा फेलोशिप में कैसे अच्छी फीलिंग हो, कैसा अच्छा वातावरण हो एक ही फेलोशिप में, इसके लिए उसने कोशिश की हो। ये कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि यदि उस व्यक्ति को अल्कोहलिक एनोनिमस में काम करते वक्त सब लोगों को लेकर चलना नहीं आता, अगर वो रिजेंटमेंट से भरा हुआ है, अगर वो खुन्नस से भरा हुआ है, यदि वो लोगों को लेकर नहीं चलता है तो वो व्यक्ति ठीक तरीके से एक ही सर्विस नहीं कर सकेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि लीडरशिप कैसी होनी चाहिए। उसने AA में काम किया हुआ होना चाहिए, लेकिन काम करने का तरीका उसका ऐसा होना चाहिए सबको लेकर मिलके चले। काम करते वक्त विवाद पैदा होते हैं, मतभेद होते हैं, लेकिन काम करने के वक्त कम से कम मतभेद हो और ज़्यादा से ज़्यादा फेलोशिप में अच्छी भावनाएं हो, इस तरीके का उसको काम करने का अनुभव होना चाहिए। और कहीं तो भी लोगों के प्रति, AA के प्रति उसके मन में लव एंड रिस्पेक्ट होनी चाहिए, प्रेम और आदर होना चाहिए। अगर हम ऐसा कैंडिडेट चुन रहे हैं कि वो झगड़ालू है, बात बात पे उलझने वाला है, अगर लोगों से उसके संबंध ठीक नहीं है, तो ये व्यक्ति AA की सर्विस के उच्च पदों पे ठीक तरीके से काम नहीं कर पाएगा। अगर हम ऐसे उच्च पदों पे इन लोगों को, ऐसे लोगों को अगर भेजेंगे कि जो सबसे मिलजुल के नहीं रह सकते, तो वो कहीं तो भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस का काम वहाँ भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो ये जो एलिजिबिलिटी है ये बहुत मायने रखती है दोस्तों। तीसरी है ग्रास्प ऑफ AA स्ट्रक्चर, यानी कुछ सोच समझ के ही उसकी सोब्राइटी का समय 7 साल रखा गया है। कोई व्यक्ति अगर AA में काम कर रहा है, कर चुका है, AA के स्ट्रक्चर को उसको जानना जरूरी है। क्या है अल्कोहलिक्स एनोनिमस का स्ट्रक्चर? ग्रुप, ग्रुप के ऊपर इंटर ग्रुप, इंटर ग्रुप के ऊपर सर्विस कमिटी, उसके ऊपर कहीं तो भी
जनरल सर्विस ऑफिस, जनरल सर्विस बोर्ड, सबसे महत्वपूर्ण में होता है दोस्तों ग्रुप, जहाँ से सब शुरू होता है। तो कहीं तो भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस का सर्विस का जो स्ट्रक्चर है, उस सर्विस के स्ट्रक्चर के बारे में उसको अच्छे तरीके से स्पेशल एप्टीट्यूड बोला है, यानी अच्छी तरीके से विशेष तौर पर नॉलेज होना चाहिए। और वो सर्विस स्ट्रक्चर के जितने भी बॉडीज है, काम करने वाले घटक है, उसके बारे में अच्छे तरीके से उसको जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि वो एक ही स्ट्रक्चर को अगर ठीक से नहीं समझता है, एक ही स्ट्रक्चर को अगर ठीक से वो नहीं जानता है, तो वो एक सुधार के लिए, एक ही अच्छे के लिए अच्छे तरीके से प्लान नहीं बना पाएगा, पॉलिसी नहीं बना पाएगा। और इसीलिए दोस्तों उसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में उसकी पकड़ हो, उसके नॉलेज में उसको अच्छी पकड़ होनी चाहिए ए के बारे में। चौथी है दोस्तों रिसोर्सफुलनेस, यानी उसके अंदर में वो क्वालिटीज होनी चाहिए, जैसा बिल डब्ल्यू लिखते हैं कि वो भविष्य के लिए प्लान बनाए, उसके पास में एक विजन हो, पॉलिसी हो, कैसे अल्कोहलिक्स एनोनिमस का कारवा जो है वो आगे बढ़ाया जाए। पीआई के बहुत सारे क्षेत्र है, मेडिकल फील्ड है, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स है, और भी सोशल कम्युनिटीज़ है, सोशल इंस्टीट्यूशंस है, तो अलग अलग जगह अल्कोहलिक्स एनोनिमस कैसे पहुंच पाए, कैसे दूर दूर तक ए का कैरिंग द मैसेज हो, उसका उसके लिए उसके अंदर में ये कौशलता होनी चाहिए, कुशलता होनी चाहिए। अगर उसको ए का नॉलेज रहेगा, उसमें वो उसके माइंड में प्लान्स रहेंगे, पॉलिसी रहेंगी, तो वो अपना जो जो भी उसके अंदर विजन है, प्लान है, पॉलिसीज है, वो बोर्ड में ठीक तरीके से रख पाएगा। और साफ तौर पे लिखा है कि उसके अंदर में करेज ऑफ कॉन्विक्शन, कि नहीं मुझे ये काम करना है, कुछ तो भी नया देना है, करेज टू एक्सप्रेस वन सेल्फ, अपनी आवाज़ को ईमानदारी के साथ में, निर्भयता के साथ में रखना, गुड जजमेंट, सही निर्णय, ये सारी क्वालिटीज दोस्तों उसके अंदर में होनी चाहिए। यदि उस व्यक्ति के अंदर में ए को बढ़ाने के लिए सोच है, कौशल है, रिसोर्सफुलनेस है, वो तो अच्छे प्लान दे सकता है, अच्छे विचार ए को दे सकता है, जिसकी बदौलत दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस अलग अलग क्षेत्रों में नए नए तरीके से कैरिंग द मैसेज का काम कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों पांचवी जो एलिजिबिलिटी है, मैच्योरिटी, जो मैंने बताया कि कम से कम 7 साल कंटिन्यूस सोब्रेटी उसकी होनी चाहिए जब वो नॉमिनेशन कर रहा है। और सबसे अंत में जो छठी क्वालिटी है, एलिजिबिलिटी है, वो तो सबसे और ज़्यादा मायने रखती है दोस्तों, और वो है दोस्तों अवेलेबिलिटी। ये एक ऐसा फैक्टर है दोस्तों कि जिसके बारे में जो भी इस इलेक्शन का कैंडिडेट बन रहा है, उस हर इंसान ने सोचना जरूरी है कि मैं उस पद के लिए लड़ रहा हूँ तो क्या उस पद के साथ में मैं न्याय कर पाऊँगा, क्या मैं उसके लिए समय दे पाऊँगा। ये चीज़ ट्रस्टी इलेक्शन के लिए ही नहीं, ये हर चीज़ के लिए, हर पोस्ट के लिए भी कहीं तो भी लागू होती है। ए में हमको अगर जिम्मेदारी दी गई है तो जिम्मेदारी लेने से पहले हमने विचार करना चाहिए कि भाई मैं इस जिम्मेदारी को निभा पाऊँगा या नहीं पाऊँगा, इस जिम्मेदारी को मैं निभा पाऊँगा या नहीं पाऊँगा। हम देखते हैं दोस्तों कि कैरिंग द मैसेज का काम हमको दे दिया जाता है और हम लोग दोस्तों कई दिन, कई हफ्ते, कई महीने उसको डिले करते हैं। मेरे हाथों भी इन 15 सालों में कई बार हुआ है कि बाद में जब मैं उस व्यक्ति तक जाने की कोशिश करता हूँ तो पता चलता है वो आदमी तो ऊपर चले गया। यदि मुझे किसी का मैसेज आया है और मैसेज कैरी करना है, यदि मैं नहीं पहुँच पाया तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं और किसी को भेजूँ। जो काम मुझे ए ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है वो काम मैंने पूरा करना चाहिए। क्योंकि यदि उस व्यक्ति को समय पे मैसेज नहीं मिला और वो उसको कुछ हो गया तो उसके लिए जिम्मेदार कौन रहेगा, उसके लिए जिम्मेदार मैं रहूँगा। तो ये जो जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हर पोस्ट के लिए है कि क्या जो जिस जिम्मेदारी को मैं ले रहा हूँ क्या मैं उसको पूरा समय दे सकता हूँ। और जो ट्रस्टी की जो बात होती है दोस्तों, उन ट्रस्टीज की एक तो साल भरे में एक बार
नवंबर में कॉन्फ्रेंस होता है, उसको भी उनको अटेंड करना ही पड़ता है। और वैसे ही दोस्तों बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की साल में 3 बार मीटिंग होती है क्वार्टरली, तो उस बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की मीटिंग में भी उसको कहीं तो भी हाजिर होना बहुत ज़रूरी होता है। नियम बनाया गया है कि अगर 2 बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की मीटिंग में कोई ट्रस्टी कंटिन्यूसली बगैर इंटीमेशन के एब्सेंट रहता है तो उसको हटाने का अधिकार भी बोर्ड का है, फेलोशिप का है। तो कहीं तो भी ये जो काम है, ये इतना महत्वपूर्ण काम है, उसके लिए हमको ये सोचना पड़ता है कि जिस व्यक्ति को हम चुनकर दे रहे हैं क्या उसमें ये सारी योग्यताएं है, क्या उसके अंदर में ए के बारे में नॉलेज है, क्या उसकी जो बिजनेस और प्रोफेशनल जो कंडीशन है वो साउंड है, अंग्रेजी का उसमें नॉलेज है, लोगों से काम करने का जो उसका तरीका है वो ठीक है, फेलोशिप के साथ में उसका व्यवहार कैसा है, ये सारी चीज़ें हमको, और सही बात कि वो क्या समय दे पाएगा, ये सारी चीज़ें कहीं तो भी हमको सोचने लायक है। दोस्तों जानकारी लेना और जानकारी देना ये दोनों चीज़ें हम लोगों की जिम्मेदारी होती है। एक मराठी में कहावत भी है, हिंदी में भी बोल सकते हैं उसको, कि आधी बात सुनने से हमारा बैल मर जाता है। और कई बार होता है कि जब हम पूरी जानकारी नहीं लेते और आधी बात सुन के ही अगर हम बीमार बैल का इलाज करते हैं तो हम अपने बैल से जान खो सकते हैं। और इसीलिए दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो काम है वो लाइफ एंड डेथ का है, जीवन और मौत का है। और ख़ास तौर पे ये जो महत्वपूर्ण पोस्ट है, ऐसे पोस्ट के लिए कहीं तो भी हमको बहुत सोच विचार करके खुद अपने कॉन्शियस से, किसी ने बोला इसको वोट कर दे तो कर दिए, क्योंकि ये मेरे ग्रुप का मेंबर है, क्योंकि ये मेरा परिचित है, क्योंकि ये मेरे शहर का मेंबर है, ये मेरा स्पॉन्सर है या मेरा स्पॉन्सी है, इस तरीके से ए में इलेक्शन नहीं होता, इस तरीके से ए में वोटिंग नहीं होती। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में ट्रस्टेड सर्वेंट चुनने का एक ही तरीका है दोस्तों, कि उसमें वो क्वालिटीज होनी चाहिए। अगर उसमें वो क्वालिटीज नहीं है और हमने किसी न किसी, हमारे संबंध अच्छे हैं या वो हमारा करीबी है इसलिए अगर हमने उसको वोट दिया तो हम ए का नुकसान कर रहे हैं। तो कहीं किसी भी हाल में ए का नुकसान नहीं होना चाहिए। और कई बार बराबर इन्फॉर्मेशन नहीं होने की वजह से हम कैसे मिसगाइड हो जाते हैं, कैसे हम बराबर अनुभव नहीं होने की वजह से हमारा दुरुपयोग किया जाता है, ये आखिरी में मैं बताऊँगा। इस मीटिंग के बारे में, स्पीकर मीटिंग के बारे में भी एक ओल्ड टाइमर से पूछा गया कि क्या ऐसी मीटिंग्स ली जा सकती है। अब उस ओल्ड टाइमर ने अनजाने में किया या जान के किया पता नहीं, लेकिन एक ए के लिटरेचर के पॉम्पलेट का एक पोर्शन जिसने सवाल पूछा था उसको भेज दिया, और उसके हिसाब से उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप में तय भी कर लिया कि भाई इस तरीके की जो स्पीकर मीटिंग है वो चालू मीटिंग में नहीं हो सकती। ए ग्रुप में पॉम्पलेट, उसमें लिखा है कि 2 प्रकार की मीटिंग्स होती है ए में। एक होती है ओपन मीटिंग, ओपन मीटिंग है जिसमें अल्कोहलिक, नॉन अल्कोहलिक यानी अल्कोहलिक के जो रिश्तेदार है वो भी बैठ सकते हैं, और क्लोज मीटिंग होती है सिर्फ अल्कोहलिक लोगों के लिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि 8 बजे के बाद जो मीटिंग होती है उसको क्लोज मीटिंग बोलते हैं, वैसा नहीं है। 7 से 8 के बाद में जो मीटिंग होती है वो बिजनेस मीटिंग होती है जिसमें कैरिंग द मैसेज पे, फाइनेंस पे हम चर्चा करते हैं। ए ग्रुप कॉम्प्लीट है, उसमें 2 प्रकार की मीटिंग बोली गई है, एक ओपन मीटिंग जिसमें नॉन अल्कोहलिक, अल्कोहलिक सब बैठ सकते हैं, और एक क्लोज मीटिंग जिसमें सिर्फ अल्कोहलिक लोग होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि हमारी सारी क्लोज मीटिंग जो है वो जनरल मीटिंग ही होती है, यानी हमारी मीटिंग्स में सभी लोग आके बैठते हैं। और कई बार हम लोग देखते हैं कि उसमें हम ट्रेडिशन भी शेयर करते हैं। तो एक 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 पॉम्पलेट का, एक ग्रुप का एक पोर्शन व्हाट्सएप पे निकाल कर भेज दिया गया, लेकिन उसके नीचे में जो मैंने बोला ना कि आधी जानकारी से हमारा बैल मरता है तो यह होता है, उसी पोर्शन के नीचे में लिखा है कि प्रत्येक समूह ये स्वतंत्र है कि किस तरीके से उसने अपने ग्रुप में मीटिंग लेनी चाहिए। और उसके नीचे भी लिखा है कि मीटिंग कितनी प्रकार की होती है, स्पीकर मीटिंग होती है, लिटरेचर मीटिंग होती है, बिगिनर्स मीटिंग होती है। उन्होंने किसी से जानकारी नहीं ली कि इस मीटिंग का स्वरूप कैसा रहेगा,
जबकि हमने पहले ही ठहराया था कि आधा घंटा हम मध्यपाश पे और रिकवरी पे शेयरिंग करेंगे और उसके बाद के जो 25 मिनट है उसमें इस विषय पे शेयरिंग होगी, यानी दोनों काम होंगे। एक नया आदमी जो यहाँ आएगा उसको मध्यपाश और रिकवरी भी मिलेगी और फेलोशिप को ट्रस्टी इलेक्शन के बारे में जानकारी भी देना हो जाएगा। लेकिन जब हम आधी बात सुनते हैं और पूरी बात नहीं समझ पाते हैं तो हम मिसगाइड हो जाते हैं, और ये मिसगाइड हम किसी से भी हो सकते हैं, ओल्ड टाइमर भी हमको मिसगाइड कर सकते हैं। और उसका तरीका एक ही है कि किसी पे भी बंद आँख से भरोसा करने की बजाय हम खुद पढ़े, खुद जानने की कोशिश करें। जैसा मैंने पहले ही बताया कि अभी जितनी भी शेयरिंग मैंने की तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 100% बोल रहा हूँ। अब मेरी शेयरिंग होने के बाद में आपने खुद भी इन चीज़ों का, क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, इसके बारे में जानकारी लेकर जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं उनमें ये योग्यताएं है नहीं है उसी के हिसाब से वोट करना है। कोई बोल रहा है करके उसको वोट नहीं करना है, क्योंकि यदि हम ऐसा करेंगे तो हम ए का नुकसान करेंगे। थैंक यू।